हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपको पता है कि मैंने आपको अपने मदर इन लॉ से मिलवाया था, जैसे कि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलवाऊं। सो गाइस, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने मॉम से मिलवाया था, मदर इन लॉ से मिलवाया था, और आज मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ अपने मॉम से। और गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है और एंजॉय करो। जो भी अपने मॉम को प्यार करते हैं, हम सब अपने अपने मॉम से प्यार करते हैं, अपने मॉम के लिए लाइक कर दो वीडियो को। पहली बार देख रहे हैं और व्लॉग देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, देखते हैं मॉम क्या क्या बोलने वाले हैं। वैसे तो मॉम कैमरे के सामने इतना नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, बट जो भी है देखते हैं, लेट्स गो। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी मेरे मॉम आ चुके हैं हमारे पास। सो गाइस, मिलो मेरे मॉम से। ये है मेरे मॉम। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। और मम्मी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम सजय सिंह है, मैं हाउस वाइफ हूँ और बच्चों का मनपसंद खाना बना के खिलाती हूँ। वाह वाह वाह, देखिए गाइस, मेरे मम्मी एक हाउस वाइफ है और बच्चों को बहुत पसंद पसंद के खाने, मतलब हमारे फेवरेट डिश बना के खिलाते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि आने वाले समय में मम्मी का भी एक कुकिंग चैनल खोलने वाले हैं हम लोग, है ना गाइस। बहुत ही मतलब ए टू जेड कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं। और मम्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है म्यूजिक से। और म्यूजिक से मम्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। और मम्मी को गाने बजाने का बहुत शौक है, और जैसे मम्मी ने अपनी पढ़ाई म्यूजिक से पूरी की है तो मम्मी ना सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते हैं, हारमोनियम, पियानो और थोड़ा बहुत तबला, ये सब बजा लेते हैं और बहुत अच्छा गाते भी है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, मैंने भी इसी वजह से मैंने भी अपनी म्यूजिक से ही पढ़ाई पूरी की है और मुझे भी गाने बजाने का शौक है। सो मतलब मम्मी से ही मेरे को मिला है, जो भी मैं म्यूजिक से आई हूँ, मेरे दोनों मॉम ने म्यूजिक सीखा हुआ है। सो गाइज, वही असर हम लोगों पे भी है। अब मम्मी बताएंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ। ये तो बहुत शरारती है लेकिन दिल की बहुत साफ है। बहुत शरारती हूँ, दोनों मम्मी एक ही मेरी बॉल खोल दी, वो तो सभी जान गए होंगे कि मैं बहुत शरारती हूँ। गुस्सा भी हो जाती है, मान भी जाती है जल्दी। गुस्सा भी हो जाती हूँ, जल्दी मान भी जाती हूँ, और वही शरारत करते रहती है। मतलब मम्मी, इतना तो आपको पता चल गया होगा, मतलब और क्या पूछना है। मैं सोच रही हूँ और क्या पूछूं अपने बारे में। मम्मी, मैं बचपन से कैसी थी? अच्छी थी, शरारती थी, गाना बहुत गाती थी, अपना डांस भी बहुत करती थी। मुझे गाना गाने का और डांस करने का बहुत शौक है। मम्मी, मैं कितने साल की थी तब से डांस करती, कितने महीने की थी तब से मैं डांस करती हूँ? 2 साल की थी मैं तब से डांस करती हूँ गाइस। बट उस टाइम इतना था कि हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग का कोई सिस्टम नहीं था, वरना हम रिकॉर्ड करके रखते। 2 साल का बच्चा कैसा लगता डांस करता हुआ, है ना। और जो भी है, मैंने कभी तभी डांस वांस सीखा नहीं है, जो भी है मेरे तभी से मैं डांस करती हूँ, नेचुरल है। और मम्मी को मेरा डांस कैसा लगता है? मम्मी मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, सारे डांस देखते हैं। मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को आप क्या बोलना चाहोगे? आप लोग खुश रहिए, जैसे स्नेहा खुश रहती है वैसे आप लोग भी खुश रहिए। खुश रहिए आप लोग। देखा, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, बहुत कम समय होता है जब मैं रोती धोती हूँ, है ना। मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो गाइज। बस ये कि मेरी शरारतें मत सीखना, वो मैं धीरे धीरे अभी कम कर रही हूँ। और मम्मी के बारे में आपको पता चल गया, मेरे मम्मी है, बचपन से इन्होंने मुझे मतलब पाला है नहीं। मैचिंग हो रही हूँ मम्मी, मेरे से ज्यादा ब्यूटीफुल है। गाइज, आप बताना कमेंट करके कि मेरी शक्ल मम्मी से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मम्मी आपको बताएंगे मेरे फेवरेट फूड के बारे में कि मुझे सब्जी कौन सी पसंद है। करेले का भरवा। करेले का भरवा मुझे बहुत पसंद है गाइज, जो मम्मी बनाते हैं। कहने का मतलब कि ज्यादातर बच्चे करेले का भरवा नहीं खाते हैं। मैं छोटी थी तो नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं बड़ी होगी तो मेरे को करेले का भरवा बहुत टेस्टी लगता है। और जो भी गाइज, मेरे मॉम बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छे सिंगर है। मम्मी गाना सुनाते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को, एक गाना सुनाते हैं। चल चल, उसके बाद तो मेरे को तो नहीं आता है मेरे को। सो गाइज, मम्मी ना, मैंने मम्मी को बोला गाना गाने के लिए, तो मम्मी को एक गाना याद आ गया। जैसे कि जैसे मैं अभी भी मम्मी के लिए काफी छोटा ही बच्चा हूँ, और आप भी सारे छोटे बच्चे ही हो, मतलब कोई भी जो भी मेरे व्यूवर्स है मैं जानती हूँ, सारे छोटे छोटे बच्चे ही है। सो आप सबके लिए मेरे मॉम एक गाना गाएंगे, सो मैं भी मम्मी के साथ गाने वाली हूँ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंख के प्यारे, फूल है जो भगवान को लगते प्यारे।
के सच्चे, पहले छोटे कच्चे। और क्या गलत क्या है इसमें, बच्चे मन के सच्चे पहने छोटे कच्चे है कि नहीं मम्मी, लेकिन जो भी है। तो सो गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, आपको मेरे मॉम अच्छे लगे हो और मम्मी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। बचपन से मैं मम्मी की बहुत लाडली हूँ और मैं बहुत जिद्दी भी थी, जैसे मम्मी मुझे बताते हैं जो चीज मेरे को चाहिए तो वो चाहिए। मम्मी वो वाली बात बताओ ना, जो एक बार बंदर वाली बात बताओ। गाइज मैं बताती हूँ, जब हम काफी छोटे होते थे, मतलब मैं बहुत छोटी होती थी, ये शॉपिंग मॉल वगैरह तो अब आ गए है ना बहुत ज्यादा, 10-10 साल से शॉपिंग मॉल बहुत फेमस हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था ना कि मतलब वो मार्केट में जाते थे, मम्मी और मम्मी की फ्रेंड्स ये सब लोग ना मार्केट में जाते थे, और जो मतलब जैसे शॉप होती है दुकानें लगी होती है तो वैसे ही शॉप पे जाते थे। तो हम लोग छोटे होते थे, हम भी मम्मी के साथ साथ जाते थे। तो एक बार मतलब मैंने एक बंदर देखा, वो बंदर के हाथ में ना वो क्या बोलते हैं जो प्लेट सी लगी होती है, और उसको चाबी दे देने पे ना वो ऐसे टन 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 मारते मारते ना आगे आगे को जाता था। वो मेरे को ना दुकान वाले ने दिखा दिया कि मतलब उसको पता था कि भाई बच्चा है, बच्चा तो लेगा ही लेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले मम्मी को इशारा किया, मम्मी कहते वहां से मैंने इशारा किया मम्मी को, मैंने कहा मम्मी वो मेरे को वो बंदर चाहिए। मम्मी कहते हाँ अभी दिलाती हूँ। फिर मम्मी ने अपनी शॉपिंग वॉपिंग की, फिर भूल गए, फिर भीड़ भी बहुत थी। कब से मांग रही थी दे दो खिलौना, कब से मैं मांग रही थी कि मुझे वो दे दो। और फिर मतलब जो भी है बहुत भीड़ थी, वो उसने दिया नहीं। फिर मतलब वहीं पे मैं मिट्टी में ऐसी लेट लेट के रोने लगी जोर जोर से। फिर काफी लोग देखने लगे क्या बात है, बहुत भीड़ लगी थी और मतलब बहुत टाइम लग गया, मतलब कि मतलब जो भी भीड़ थी इसकी वजह से। तो लेकिन मतलब लास्ट तक ना मैंने मतलब वो बंदर ले लिया, और लेने के बाद ही मैंने मम्मी की जान छोड़ी। वो बंदर अभी तक था, लेकिन कहीं मतलब अब पता नहीं कहाँ चला गया होगा, कहीं होगा ना टूट टाट गया होगा। लेकिन वो बहुत संभाल कर रखा था, मैंने उसको चाबी देने पे वो बंदर बहुत तेज भागता था। सो गाइस मेरी और भी बहुत ऐसी यादें हैं जो बचपन की है, बहुत इंटरेस्टिंग। मैंने मम्मी को बहुत तंग किया है, बहुत जिद्दी थी मैं, मतलब जो चीज मेरे को चाहिए तो चाहिए, और मम्मी को मैं बहुत ज्यादा तंग करती थी। सो गाइज और भी बहुत ऐसी बातें हैं। सो गाइज मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग और बात बताने वाली हूँ अपने बारे में। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं 6-7 साल की होंगी मुश्किल से, है ना मम्मी, 5-6 साल की होंगी। तो गाइज उस टाइम ना हम बस में जा रहे थे कहीं पे, मतलब हम किसी रिश्तेदार के घर, अपने मासी के घर जा रहे थे ना, हम अपने मासी के घर जा रहे थे और शादी में जा रहे थे, उनकी लड़की की शादी थी। तो जब हम जा रहे थे, मतलब उनके घर भी पहली शादी थी, तो सब बहुत एक्साइटमेंट थी सब लोगों को, हम तो बच्चे होते थे हमें क्या मतलब, हमें बस घूमने से मतलब था खाने से। तो जब हम बस में चढ़े ना, तो बस में इतनी भीड़ थी ना, मतलब ये गर्मी का ही मौसम था, तो मतलब बस में बहुत भीड़ थी। और हमेशा ना मेरे को विंडो सीट ही पसंद है, मैं मतलब कभी भी आप मुझे बैठने के लिए बोलोगे मैं बीच में बैठना पसंद नहीं करती हूँ, मेरे को विंडो सीट ही चाहिए। तो ऐसा हुआ कि मतलब उस टाइम मुझे विंडो सीट तो नहीं मिला, और भी काफी लोग थे हमारे साथ, तो सब लोग ऐसे बिखर के बैठ गए, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया, कोई वहां बैठ गया। फिर मतलब मेरे को मम्मी के पास जाना था, फिर मतलब उतर के 2 मिनट के लिए मैं गई, पता नहीं क्या हुआ, मतलब इतनी भीड़ में मैं फंस गई। तो वहां से ना मैंने एक अंकल को बोला, बहुत सारे अंकल थे वहां पे और आंटी लोग भी थे, मतलब इतने मैं उन सबको हटाने लगी। मैंने कहा ना हटो मम्मी के पास जाना है, हट नहीं रहा था। और मेरे को क्योंकि उल्टी भी आ रही थी, मेरे को वॉमिट करना है, खिड़की के पास जाके वॉमिट करूँ, वो जाने नहीं दे रही इतनी भीड़। मैंने क्या किया, उस अंकल के पेट पे भी दांत काटा और फिर पता क्या हो गया, पूरे बस में ना आधे लोग तो हंस हंस के पागल हो गए और आधे लोग हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा और दांत से काट लो। मतलब मम्मी मेरे को जहर वहर तो नहीं चढ़ गया होगा ना, क्या पता इसकी वजह से मैं ज्यादा बोलने लगी है ना। तो मतलब गाइज ऐसी थी मैं, मतलब बचपन में जो भी थी तो थोड़ी सी मतलब शरारती थी, मतलब मुझे गुस्सा बहुत तेज आ जाता था। आप लोग ऐसा मत करना, किसी को दांत वांत मत काटना, क्योंकि आजकल होता है ना कोरोना की वजह से बहुत डेंजरस माहौल हो गया है, टच भी नहीं होना, क्योंकि कोरोना इतना फैल गया है, अब लॉकडाउन भी हो गया है, सब लोग अपने घर में है, हमारे यहाँ पे भी सब लोग घर में रह रहे हैं, इसलिए अच्छा है मैं सबके साथ व्लॉग बनाने वाली हूँ, मुझे भी समय मिलेगा आने वाले समय में। गाइज मैं जो भी मम्मी कुकिंग करेंगे मैं भी आपको आके लाइव बताऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, दिखाऊंगी। तो मेरी बचपन की तो और भी बहुत मजेदार बातें हैं, मैं पेड़ वेड़ पे भी चढ़ जाती थी। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे मॉम कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना, बहुत सीधे साधे है, इतना कोई भी ज्यादा दिखावा वाले नहीं है। मेरी दोनों मॉम ना बहुत सिंपल है, मतलब इनके कहते ना
मतलब सिंपल रहते हैं और इनके विचार बहुत बड़े बड़े हैं। तो गाइज यही ज्यादा मैटर करता है, ज्यादा दिखावा और शो ऑफ करने वाले वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। अब हम करने वाले हैं लंच, और लंच में बना है मेरा फेवरेट करेले का भरवा। तो गाइज देखते हैं चख के कैसा लगता है। यहाँ पे आ गया है हमारा खाना, हमारा करेले का भरवा, जो कि मतलब कट करके बनाया हुआ है। एक तो साबुत बनाते हैं, वो साबुत नहीं है, यहाँ पे कट करके बनाया हुआ है। और गाइज कमेंट करके बताना और किस किस को पसंद है करेले का भरवा। तो फाइनली हमारा खाना आ गया है, हम कर रहे हैं लंच। और कमेंट करके बताना और किस किस ने अपने मॉम चाह का खाना खाया है। सब खाते ही है यार, मुझे मजा आता है कि नहीं आता। मुझे ना फिर बाय बाय। करेले का भरवा तो खिलाओ। तो आई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।